गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है बच्चों की पीटीएम और मैं और आंसू हम दोनों जाएंगे स्कूल में इशू के, और गुड्डू की छुट्टी है। और पता नहीं इशू और में भी जाएंगे क्या पेगा? अच्छा, आज स्कूल है उनका। और उधर वाले बच्चे पेहू, रूही और कृष्णा में जा रहे हैं जी स्कूल। अभी तो पता नहीं कृष्णा का, तो देखियो जाकर जल्दी जाओगे तो स्कूल लेने। कभी छुट्टी करके बैठ गया हो? सैटरडे है ना उसकी, कभी हो जा कभी। अच्छा, तो मैं लाऊंगा जी इशू को। इशू जा रही रात की इंदु के पास, उधर ही खेल रहे आज, उन्हें मस्ती मार रहे पूरी। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन या तो मैं यहाँ मिलेंगे, नहीं है वहाँ मिलेगी। कल दोपहर में वही आ गए थे, फिर शाम जब मैं गए ना, फिर वे उनसे इतना पट्टी पढ़ा दे अगर तेरी कल कुछ इतना और पूरी तैयार हो जा, बस फिर मैं कट्ठे ही चलेंगे। तो अब मैं इशू को लेने जाऊंगा जी, और उधर मकान पर देखूंगा कितना काम होगा, कितना रह रहा। नीरज भी शायद उधर ही है। हाँ, उधर तो स्कूटी लेकर आनी, बाइक से चला लेंगे काम अपना सहज से। मैं स्कूटी ले आऊँगा, स्कूटी पे फिर हम तीनों के तीनों इसकी पीटीएम के लिए निकल जाएंगे। पीटीएम की फुल फॉर्म क्या हो? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हाँ यही होते हो गए जब मुझे पता नहीं मुझे तो इतना ही पता पेरेंट्स मीटिंग हो बस। पेरेंट्स और टीचर के बीच की मीटिंग है, बात है। भाई मुझे भी नहीं पता, कमेंट में बताइए अगर हम गलत हैं तो। कमेंट में बता दो क्या हो? हम गलत नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अच्छा चल, तो जी मैं चलता हूँ उधर मकान पर, देखता हूँ क्या क्या काम होगा, क्या क्या रह रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहुंच गया हूँ मकान पर, यहाँ पे काम चल रहा, और मैं दिखा देता हूँ एक बार हल्का फुल्का क्या क्या हो गया। देखिए यहाँ बाहर का, यहाँ पे ये मैन होल बनाया मतलब पानी का, तो जो बाहर वाली लेटरिन बाथरूम थे इसको चौड़ा कर ही दिया, यहाँ पे सीट लगा दी। अब ये चौड़ा हो गया, इसमें नहा धो भी सकते हैं और वैसा भी। और ये छज्जा ऊपर निकलवाया, रसोई बढ़ा दी, यहाँ पे टैल लगी सब जगह, और अभी टाइम नहीं हुआ था मैं इसलिए सोच रहा था थोड़ी देर में। लाइट जलवा लेते यार, अंधेरा बना देते हैं तो। ये भी आ जाएगी लाइट, आएगा ये भी आ जाएगी भाई। हाँ ये तो हो गई, बस ये फ्लोर फ्लोर तो नहीं। अच्छा, मान लो एक घंटे में दो घंटे हो जाएगी। सीट लगा दी इसमें? सीट से इसमें को लगी थी इंग्लिश आई नहीं थी, अभी आई यहाँ उसमें लग गई हार वाले को लगा दी। और यहाँ पैर लगवा दी, वैसे काम आती रह गया इधर दीवार पर भी तेल लगने और अंदर दीवार पर भी, और यहाँ बाहर लगवाया पत्थर, ये पत्थर लगवाया, ये देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ बिल्डिंग ने बना दिया ऐसा लग रहा है। 15-20 साल तक हम इससे खेलने की जरूरत है।
फ्रेंड्स अब हम हो गए हैं तैयार पीटीएम में जाने के लिए। इशू आ गई है उधर से, इशू भी तैयार हो गए और गुड्डू यहीं पे ही है क्योंकि गुड्डू आज स्कूल नहीं गई, वो अपना कर लिया पढ़ाई। और बस हम जा रहे हैं मैं, इशू और इसके पापा स्कूटी पर। और इतनी लेट आई है, अगर ये यहाँ रहती ना जाती ना उधर तो अब तक हम वापस आ जाते। 10:30 हो गए, फिर धूप हो जाती है बहुत ज़्यादा तेज और धूप पूरी लगे एकदम कड़क थे कि यहाँ पर ही उन्हीं हल्की धूप होती है, तेज होती है सर्दियों में भी बहुत। तो बस जी चलते हैं, चलो। ये हिंदी क्या, हिंदी में कितने 70 में से 66। ये है SST, SST में है 68। ये है मैथ्स 70 में से 67, SST में ठीक है सभी। और ये है साइंस और इसमें है 58 एंड हाफ, है ना। और ये है इंग्लिश 63 है 70 में से। ये है पंजाबी, पंजाबी में कम है बेटा इस बार, 60 है 70 में से, 70 में से। मैथ एक ड्राइंग में ए प्लस, ए है प्लस नहीं है, ए ग्रेड ही है। और ये क्या है जीके, जीके में भी कम है इस बार 45 एंड 50 में से। जंगली जानवर आ जा, लगभग 50-60 किलोमीटर तक जंगल ही है, जंगली है पूरा, जंगल ही है इस एरिया में। और यहाँ पे शेर वगैरह एक साल में एक आध बार तो आ ही जाते हैं, लेपर्ड वगैरह आ जा। मेरे सामने तो एक ही बार आया है, आया लेपर्ड। तो आ जाते हैं। और इधर बस वैसे तो काफी वो है, सुविधा बहुत है इधर, सिक्योरिटी बहुत है, चारों तरफ बाउंड्री है स्कूल की। हाँ, लेकिन फिर भी जंगल का पता नहीं चलता, डर तो रहता ही है। डर तो रहता ही, क्योंकि यहाँ मोर वगैरह ज्यादा है ना, तो मोर को पकड़ने के लिए आ जा जंगली जानवर या वैसे भी। अभी बस मोर हमने अभी भी देखे थे, 2-3 आते हुए 2-3 मिले, क्योंकि जंगल ही जंगल इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे रहते ही है। तो जी चलते हैं, एक ही करनी, पहले तो दो करनी होती थी जब गुड्डू थी, दोनों स्कूल में जाना पड़ता था, लेकिन अभी एक में ही जाना होता है। इस बार फर्स्ट टाइम आए ना इशू के अकेले में, है ना, नहीं तो गुड्डू का इशू का दोनों का साथ में, दोनों अलग अलग होगी, अलग अलग ही जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स हम इशू के स्कूल से आ गए थे, हो गया लगभग 1 घंटा हो गया आए हुए हमें, और ठीक मार्क्स हैं उसके, अच्छे हैं, जैसा कि उसने अकेले ही मेहनत करी इस बार, मतलब अपने आप ही दिए। मैं भी नहीं थी यहाँ पे, जो एग्ज़ाम हुए मैं घर पे थी, और ट्यूशन वगैरह भी नहीं, तो अपने हिसाब से मतलब उसने खुद ही पढ़ाई करी तब दिए, तो उसके हिसाब से ठीक हैं, बाकी पहले से कम है, जैसा हर बार इसकी जो परसेंटेज होती है उससे कम है। तो खैर जी, और आगे ये मेहनत करेगी, मैडम ने बोला इसको कि अब ये मत सोचो आप बड़े हो गए कि मम्मा कराएगी या कुछ, तो अपने आप करना सीखो, है ना ईशो, ये कहा ना इंडिपेंडेंट हो, अपने आप करना सीखो सारा कुछ, ये बोला। और वैसे बोला कि ठीक है अच्छे हैं। तो अब देखिए इधर पर खाना बनना हमारा शुरू हो गया, गुड्डू ने दाल उबाल दी है, उसको मैंने बोल दिया था दाल बनेगी आज अरहर की, के पापा 2-3 दिन से बोल रहे कि अरहर की दाल बना ले, और इधर चावल रख दिया, चावल का पानी रख दिया, तो दाल चावल बनाऊंगी। और मेरे हो गया सर में दर्द, मेरा सबसे बड़ी दिक्कत है जब थोड़ा सा भी सफ़र करते ही मेरे सर में दर्द हो जा, और धूप लगे ना, धूप की वजह से ज़्यादा हो जा आते ही। और बस मैं तो खाना बनाऊँ, 1 बजने वाला हो रहा, खाना बना के बस फिर लेटूंगी सर के दर्द की दवाई लेके, क्योंकि तेज हो गया बहुत सर में दर्द। और बस मैं और तो करवा भी लेके आ गई साथ साथ ही, मगर फिर बार बार नहीं जाया जाता,
एक छोटा सा करवा, कल करवा चौथ है तो उस पर पूजा करने के लिए, और तो कुछ नहीं लाई। और एक लाई मेहंदी की खीर, तो दो चीज़ लाई बस मैं। तो अभी बस मैं पहले दाल में तड़का लगा दूँ, उसके बाद रोटी सेक के अभी ये बर्तन बुर्तन लगा दूँ सारे, नुई रख के। आंटी भी कर कर चली गई होगी, हमारे पीछे ही आई होगी अभी। और ईशु की तबीयत आज मुझे लग रही ढिल्ली सी, कोल्ड हो रहा है ना, कोल्ड हो रहा है ऐसा। आज मैं खिलाता हूँ वो तो सारे आंटी ने फोड़ दिए जो खुले पड़े थे। नहीं वो वाले नहीं, मुझे नहीं दूसरे वाले जो खुले। क्या करेगी तुम उनका? चलो जी ठीक है, मैं अब खाना बना लूँ। फ्रेंड्स खाना देके बन के तैयार हो गया। ये बन गई है अरहर की दाल, ये बन गए चावल। इधर मैं रोटी भी सेकने लग रही और गुड्डू लगा रही है थाली। गुड्डू ने दाल से पहले दही ले ली, क्योंकि उसको दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है और दही के बिना वो रोटी खाती नहीं। तो और ईशु ने कान्हा जी को भोग लगा दिया। ईशु तू भी खा ले बेटा। और बस ये इसके पापा गए हुए दुकान पर अभी, तो वे आ जाएंगे, आके वे भी खाएंगे खाना। देखता वे भाई भूल गई रोटी, ईशु देखता वे भाई बन गई रोटी भूल गई।